आप सभी को दिल से नमन प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। ये आप मुंडावर के नज़दीक में बल्लवास की पावन धरा के ऊपर ये आश्रम देख रहे हो बाबा साहब का, और ये पेड़ लगाने के लिए जा रहे हैं हम। ये देखिए, ये 15 पौधे 15 अगस्त से शुरू करें और हम 15 अगस्त जोड़े अगली साल तक लगातार। हर बच्चा, एक एक बच्चा अगर इस पौधे को योगदान दे तो इस स्कूल में 400 करीब बच्चे हैं, तो हमारे 400 की बजाय हम 100 और जुड़ जाएं तो हमारे 500 का लक्ष्य पूरा हो जाए, और हम जरूर इसको पूरा करने की मुहिम चली हुई है। और हमारा जितने की कोशिश है, समाज के इन बच्चों को हमने जागरूक करना है कि बेटे हम उम्र में करीब हम 80-70 पर पहुँच गए और हमारे हाथ से पौधा नहीं लगा, पर तुम कल बच्चे ने जन्म लिया, हमने उसके हाथ से पौधे लगवा दिए। देखो, सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमने ये लगा कि देश हमारा कुशलता की उत्तम बढ़ रहा है और प्राकृतिक सौंदर्य पे ही विश्व हमारा को निहार रहा है। हमारी श्रृंखलाएं बड़ी बड़ी पर्वतमालाओं की ये सारी इससे सुंदर लग रही है। हमारे वेशभूषा जैसे हमारी स्त्रियाँ हैं श्रृंगार करती है, ऐसे ही हमारे प्रकृति का आज हमारे देखो पहाड़ मुंडावर के सामने दिखाई दे रहे हैं, कितना श्रृंगार लग रहा है। इस प्रकृति ने हम लोगों को सुंदर दी है। इस साल का सावन का महीना भी बहुत ही कुशाल तर से लेकर आया बाबा। कुशाल तो आपका ये इधर पेड़ आपने, बाबा साहब ने काफी पेड़ लगा रखे हैं। ये देखो, ये बाबा साहब का आश्रम आप देख रहे हो, लाइन से पौधे लगा रखे हो, सामने मकान इनके हैं। मैं आज बड़ा खुश मिजाज हूँ मेरा कि मेरे इन पौधों से पत्तियां भी चढ़ रही हैं भोले बाबा के, और बहुत ही सुहाना मौसम लग रहा है। हमारा सावन देखने से लग रहा है कि हम वाकई में हम लोग इस साल बड़ा खुशहाल जीवन जी के लिए आए हैं कि हमने लक्ष्य लिया 15 अगस्त के ऊपर में कि पौधे हम जरूर लगवाए इन बच्चों से। साल भर का मुहिम लिया है, 500 बच्चे मेरे स्कूल में से 500 में एक एक पौधा लगाते थे, मेरे 500 पौधे सप्लाई हो जाएंगे। और हम अपने मुंडावर और ये अपना बल्लवास और सराय का जो बीच में हमने माइक लिया है, इनमें पूरे 6 किलोमीटर के अंदर में हमने 600 पौधे करीब लगाने जरूरी है। ये बाबा ने आज 15 अगस्त के ऊपर आप सभी के सहयोग से ये संकल्प है, ये उसमें संकल्प में आप सभी संग जुड़ेंगे ना तो ये हो सकता है। इनका संकल्प ये है कि हम सराय से और मुंडावर के बीच में इस रोड को बिल्कुल हरा भरा कर देंगे। पर्यावरण के बारे में हमारे दादा साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो पर्यावरण के बगैर, इस सृष्टि के बगैर हम भी नहीं हैं। और ऑक्सीजन, बारिश, ये सब बाबा इन पीछे देखो ना, 2 साल पहले कोरोना के अंदर महामारी सबसे ज्यादा सिलेंडरों की कमी आई और लक्ष्य लिया फिर भारत सरकार ने कि अपने देश में नहीं हम विश्व में भी इनकी पूर्ति करने के लिए हमने संकल्प लिया, और आज हमारा देश संकल्प की तरफ बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की पौधों से भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और कृत्रिम जो हम लोग ऑक्सीजन बना रहे हैं उसकी भी हमने निर्माण के लिए औद्योगिक खोल दिया भारत सरकार ने, और हमारा सहयोग भी जनता अच्छा दे रही है कि जहाँ से इतनी हो ऑक्सीजन ही हमारा जीवन है। जो अंग्रेज हैं इस धरती को अर्थ बोलते हैं, तो इसका मतलब हम फेस हो गए दादा, फेस हो गए। और हम जब भी फेस हमारा आगे अर्थ के बगैर भी बल्ब नहीं जलेगा, आप फेस हो तो बगैर अर्थ के भी हाँ कोई रोशनी नहीं होगी। अभी इस अर्थ को अर्थ बनाए रखें। ये सामने गाड़ी पिकअप की भर के जा रही है, इसमें एक नारा दिया कि हम कभी सूरज को छिपने नहीं देंगे। ब्रिटिश सरकार मतलब यही था कहने का कि ऊर्जा का स्रोत इतने बना दो कि रात को भी हम लोग चमकें। जय हो। तो ये जा रहे हैं महानुभाव पेड़ पौधे लगाने के लिए। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? बल्लवास मुंडावर राजस्थान, पहाड़ों में जा रहे हैं पेड़ पौधा लगाने के लिए। ये देखिए कितना विश्वास बच्चों में, जागरूकता जाग रही है पेड़ लगाने की। नहीं, बच्चों में क्या है, तो गवर्नमेंट में भी है और जरूरत भी है। गवर्नमेंट भी चाह रही है, हम गवर्नमेंट से भी बाहर नहीं है और जरूरत भी है, हम प्रकृति से भी बाहर नहीं है। प्रकृति का श्रृंगार है पेड़ पौधा। ये बड़का डाला लगा रहे हो दादा श्री, इसके बारे में मतलब आप लोगों को बताएंगे कि बड़का डाला लग कैसे सकता है, जैसे कोई हम भी लगाना चाहें तो। देखिए, जिस बड़ में डाडी फूट रही हो, ये ऐसी अच्छा 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 डाडी वाला तना जमीन में दब जाएगा तो ये पेड़ का क्या बन जाएगा? बल्लवास की नर्सरी से मुंडावर। अच्छा, मुंडावर लगाने जा रहे हो पहाड़ों में? पहाड़ों में लगाने जा रहे हैं। तो पेड़ हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहाने मेरे पास में बहाना ये है कि मेरा इतना बड़ा घर नहीं है और जगह नहीं है पेड़ लगाने की, तो पेड़ हम कहीं भी लगा सकते हैं। उसमें हमारी आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए, हमारा भाव चाहिए।
आज 15 अगस्त पे आप सभी को जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान। तो अपना शुभ नाम भाई? राहुल यादव। राहुल यादव बल्लुवास से। क्या बात है। अजय यादव बल्लुवास से। क्या बात है। जय हो। कुमार यादव बल्लुवास से। अरे ये हमारे दादाजी है, लक्ष्मी नारायण जी। हाँ, कंडक्टर साहब रहे हैं रोडवेज में, और ये पिकअप लेके जा रहे हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए। आप देख रहे हो, पर्यावरण ही जीवन है। ये देखिए लोकेशन, हम जहाँ का जिक्र कर रहे थे, स्वर्ग की धरती तपोभूमि मुंडावर। ये देखिए इस रास्ते पे हम अभी कुछ दिन पहले ये टीम गई थी बाबा फूलनाथ आश्रम, जो नीमराणा में हम आपको कल दिखा रहे थे। ये टीम वहाँ पे बरगद का, पीपल का ये पेड़ लगा के आई है। वहाँ आश्रम के ऊपर काफ़ी पेड़ लगाए हैं, और आज ये टीम चल रही है इधर इस तपोभूमि मुंडावर की पहाड़ियों में। अरावली पर्वत तपोभूमि, जिसको हम स्वर्ग बार बार बोल रहे हैं, है भी ये। ये मुंडावर है। इस मुंडावर को ही पहले मंडेला, उससे पहले मदनपुरा, उससे पहले आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिए। इतना ही सुना है कि ये मुंडावर से पहले मंडेला शहर था, उससे पहले ये मदनपुर शहर था। राजा मदन सिंह यहाँ उनका राज रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आता है। अभी आपको धीरे धीरे जोड़ते हैं सभी से यहाँ। ये देखो, ये आप मुंडावर देख रहे हैं। ये देखो इधर बाजार है, बावड़ी है, इधर बावड़ी भी दिखाएंगे आपको। ये देखो ये मुंडावर की इधर हॉस्पिटल है, ये इधर रोड चला गया है स्वर्गधाम, और ये चला गया है खैरतल। ये रोड आप आ गए, ये मुंडावर से हम धीरे धीरे करके आप निकल रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ पे ये मुंडावर बहुत छोटा नहीं है, ये सृष्टि के साथ से जुड़ा हुआ शहर है। अली बख्श महाराज जी भी यहीं से मुंडावर से हैं, जो ख्याल में गाने वाले पहले ही हुए जिन्होंने ख्याल से गाया है ना। उनका भी बहुत बड़ा नाम है, वो भी इसी पावन धरा से हैं। ये सभी उन धाम में से आ रहे हैं, सभी यात्री जो आप देख रहे हो, ये सभी ये इन मुंडावर में जो स्वर्ग धाम है, सभी वहीं से आ रहे हैं। और ये दिखाएंगे आपको मनसा देवी माता का इधर से, एक सेकंड है ये वाला, ये मनसा देवी का है, वहां चल के भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए हम इधर एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए, सबसे निवेदन ये करेंगे कि टूरिस्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी खेल नहीं है। ये हमारी गाड़ी हो गई है यहाँ खड़ी, वहां से ये पेड़ लेके आ रहे हैं, और ये नाला बह रहा है यहाँ पे, कितना सुंदर नाला बह रहा है। ये बच्चे इस नाले में देखो क्या मस्ती कर रहे हैं। ये देखो, ये है बाबा तुलसीदास आश्रम। वो अपने आप में बताते हैं कि ये मेरा आश्रम है, मैं तुलसीदास हूँ। तो ये उनका तुलसीदास आश्रम है, और ये माता सती, सुनारी माता के नाम से लोग इनको जानते हैं। सामने चल के दिखाते हैं। तो आज का पेड़ का कार्य यहाँ पे है 15 अगस्त के दिन। ये देखिए, ये है बल्लुवास पर्यावरण टीम।
सृष्टि बचाओ, पर्यावरण बचाओ। जय हो थारी। क्या बात है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु मनोकामना से आता है, दिल से आता है, ये माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, ऐसा सुनने में आता है। यहाँ पे मानने वालों की और माता सती की और आप साक्षात यहाँ पे जो देख रहे हो, आपको विश्वास होगा कि ये खेल इस धरती पे सब साक्षात होता है। ये मौसम, ये बारिश आ रही है हल्की हल्की और ये टीम अपना काम कर रही है, गड्ढा बना के बारिश में लग रही है। आप इनके लिए भी हौसला बढ़ाएं, इनका भी सब कार्य करता है यहाँ पे, सब यहाँ पे कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से कर रहे हैं, अपने हौसले से कर रहे हैं। तो इस टीम के लिए देखो, पिकअप लेके आए हैं, बारिश का मौसम और हक बनता है इनके लिए भी कुछ कमेंट करने का। अगर थोड़ा बहुत प्रेम इस सृष्टि के प्रति हमें है और तो शायद हम इन चीज़ों को शेयर भी कर दें, क्योंकि इन चीज़ों के बचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनका वो पैसा मिसयूज हो रहा है। ये सब देखिए, आप हौसला बढ़ाइए बस टीम का। ये देखो, तो दादा इस टीम के मुखिया तो परमात्मा, कोई और ही से तो लेबर काम कर रही है। जय हो थारी, जय हो। ये सब हम सब करता है यहाँ पे, मुखिया बन जाते हैं, ये हमारी सोच है। बहुत अच्छा बाबा साहब ने जवाब दिया, ये हमारे प्रेमी भी हैं, मित्र हैं हमारे साथ में। इस टीम में से आप लगभग ये सभी हम, हमारी टीम है और हम सब कार्य करते हैं। आप जैसों से ही सुनते हैं कि ये पीपल का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, ये रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लगाएं। ये देखिए, हमारी टीम ने एक पेड़ तो ये आपके सामने ये लगा दिया है, ये माता शक्ति का, ये देखो, और दूसरा पेड़ यहाँ पे लगा रही है, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे लगा दिया है। और इस टीम के लिए भी आप दिल से धन्यवाद लिखें, हौसला अफजाई करें। एक बात आपसे ये भी करेंगे कि ये पेड़ लगा दिए हैं हमने, अब इस पेड़ों को संभालने का काम कौन करेगा? कब संभालोगे? बिल्कुल संभाला जाएगा, हम खुद संभालेंगे। त्रिभुवनी में 10-15 दिन में पानी की समय में पानी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जय हो, देखो लगाना तो सही है, हरेक कोई लगा दे उसको, माँ बच्चे को पाल के उसको बड़ा करके नाना धोना सिखा देगी, जब कह देगी कि बेटा अब तू खेल। जय हो, जय हो, जय हो। हम इनको पालेंगे। देखो ये लगा दिया है और अब ये नई कलाकारी कर रहे हैं कि जो ये पानी यहाँ पे बह के चल रहा है ना, ये देखो उसी में से, हाँ, झरना का पानी आ रहा है, अपनी जगह बना रखी उधर से, तो ये कनेक्शन कर दिया है वहां से यहाँ तक। ये लो पानी आ गया है, ये देखो यहाँ की लोकेशन आपने देख ली है। आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि कहाँ पे क्या क्या ज़रूरी है, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई मुखिया नहीं है, हम सब कार्य करते हैं। ये लीजिए, ये कनेक्शन कर दिया है और ये पानी इसमें आप देखिए। तो थानेदार साहब को हम थानेदार साहब कह रहे हैं, उनका शुभ नाम चमन यादव। कहाँ से? बलुआ से। बलुआस पर्यावरण टीम, सृष्टि बचाओ, पेड़ लगाओ। जय हो थारी।
ये पर्यावरण टीम के हमारे सभी यहाँ पे देखो, इनका लगाने के बाद भी ये देखो क्या कर रहे हैं, और इनके लिए भी कमेंट का अगर हक बनता है, आपका दिल करता है तो बिल्कुल कीजिए। ये कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, जय होता। बल्लुवास की पर्यावरण टीम, सृष्टि बचाओ पेड़ लगाओ, ये टीम देखिए आप। तो इस टीम के लिए भी आप अपने विचार लिखना, हौसला बढ़ाना, क्योंकि हम हौसला तोड़ भी सकते हैं और हौसला हम किसी का बढ़ा भी सकते हैं। जय हो थारी। वो हमारे थानेदार साहब हैं टीम के, तो निरीक्षण कर रहे हैं। एक उधर लगा दिया है और एक हमने आपको दिखाया, ये माता सती के उधर लगा दिया है। ये लोकेशन, ये जो रोड जा रहा है, ये जमदग्नि आश्रम होते हुए आगे, हाँ पहले पणियारी, उसके बाद में जमदग्नि, उसके बाद में हनुमान जी का एक भव्य आश्रम। ये रास्ता इन सभी धामों से जोड़ता है आपको, तो इन दोनों के बीच में इस रास्ते के एक पेड़ वो लगा दिया है और एक ये लगा दिया है। और ये चमत्कार प्रभु का यहाँ पे देखो एंजॉय। आपको लग रहा है कि झरना बह रहा है तो आप कमेंट में लिखें। ये हमारी पूरी टीम। अरे ये छोटा सा जो बच्चा आप देख रहे हैं लाल टी शर्ट में, ये हैं हमारे दादा श्री तुलसीदास जी, जो आप तुलसी मीणा के नाम से जानते होंगे उनको। वो तुलसी मीणा तुलसीदास कैसे बना, ये हमने डाल दिए वीडियो, आप देख सकते हैं उसमें। उन्हीं तुलसीदास जी के ये क्या है आप पोते। ये उनके पोते हैं। और ये कह रहे हैं कि आपने जो ये पेड़ लगाए हैं ना, तो इस टीम के अंदर आप हमें भी सम्मिलित करें। इनका हौसला देखिए आप, ये कह रहे हैं कि इस टीम में हमें भी आप शामिल करें, पर्यावरण टीम में, सृष्टि बचाओ इस टीम में। और इन पेड़ पौधों का जो सेवा है, जो इनकी रक्षा है, इन पेड़ पौधों की जो रक्षा है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हम नज़दीक हैं, यहीं पे हमारा घर है। तो ये सदस्य जुड़ गए हैं, ये भी आज हमारी नई टीम के। तो आप इन पेड़ पौधों की रक्षा करोगे यहाँ पे? ये इनमें पानी वानी कम रहेगा तो भी डाल दोगे? क्या बात है, इनके लिए भी दिल से कॉमेंट लिखना आप। ये हमारी टीम, और ये नहीं है, हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं ये बल्लुवास की पर्यावरण टीम। हम तो ये कहेंगे कि ये हमारी विश्व की ही पर्यावरण टीम है, क्योंकि पर्यावरण सभी के लिए, उसमें कोई जाति धर्म का कोई खेल नहीं है, ये तो पर्यावरण का खेल है, सृष्टि का खेल है। और ऐसे झरने यहाँ इस मुंडावर में, ये बता रहे हैं कि हजारों झरने बहते हैं, ऐसे बड़े बड़े झरने भी यहाँ पे हैं, जो आप उत्तराखंड में देखते हैं, केदारनाथ जी पे देखते हैं, वो बातें इस मुंडावर में भी हमें ये आपको दिखा रहे हैं। आप कमेंट करना और बोलिए सुनारी माता की जय, बोलिए शक्ति माता की जय, बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए भोले शंकर की जय, बोलिए गौरी माता की जय। और हमारी टीम के लिए आप लिखेंगे, हौसला बढ़ाने के लिए आप लिखेंगे,